आज की इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की अतिथि जिनकी प्रयास से ये कार्यक्रम हो पाया, इसे हमारे सरकार के युवा विभाग, खेल तथा सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री मेरे मित्र श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के राष्ट्र मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, शिक्षा राज्य मंत्री मेरे मित्र डॉक्टर सुभाष सरकार जी, मंच पे उपस्थित भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विभाग के सचिव आदरणीय अपूर्व चंद्र जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रपति महोदय के सचिव तथा उनकी तमाम सहयोगी मित्रगण, भारत सरकार के सूचना प्रसारण तथा शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, तथा मैं सामने जैसे देख पा रहा हूं भारत की बौद्धिक जगत के बहुत जाने माने हस्ती जो पिछले दो दिन से राष्ट्रपति जी की मार्गदर्शन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस की अवसर पे उपस्थित अनेक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, आईआईटीज की डायरेक्टर, एनआईटीज की डायरेक्टर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मैं आप सभी को इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज एक शुभ अवसर पे है, शुभ अवसर है। लोकतंत्र की स्वर खंड चार माननीय राष्ट्रपति जी का चौथी साल तक का, ये तो फिफ्थ ईयर में है, लेकिन चौथी साल तक का जितने भाषण हुए हैं विभिन्न सामाजिक राष्ट्र की महत्वपूर्ण विषय पे, राष्ट्र के नाम पे संदेशों, शिक्षा एवं संस्कृति के द्वारा भारत का नव निर्माण के संबंध में हो, जनसेवा का धर्म, सामरिक सुरक्षा के आधुनिक आयाम, संविधान एवं विधि व्यवस्था की आधार भूमि, उत्कृष्टता की उत्सव, हमारी प्रकाश स्तंभ, विश्व पटल पे भारत, एक राष्ट्र नेता की जो संबोधन रहा है पिछले दिनों में, उसी का ऐसे 38 भाषणों की आज एक पुस्तक के रूप में भारत के सामने लोकार्पण करने का पब्लिकेशन विभाग की ओर से, आईएनबी विभाग की ओर से अनुराग जी ने मेरे को मौका दिया, मैं सबसे पहले उनको आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रपति जी की बारे में एक उनकी इस प्रकार की बौद्धिक परिप्रकाश को लोकार्पण करना ही अपने आप में एक गौरव की काम है, एक महत्वपूर्ण काम है। मैं सौभाग्यशाली हूं भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र जिसकी आजादी का हम 75 साल मना रहे हैं, ऐसे एक प्रजातंत्र की सरकार की प्रमुख की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की विचार को, ये कोई निजी विचार नहीं होते, ये देश की सामूहिक विचार के प्रतिफलन होते हैं, ऐसे विचार के प्रतिफलन जिसकी दो आधार स्तंभ है, नैतिकता है और दृष्टि है, भारत की आधारभूत विचार है और आधुनिक चुनौती के साथ आधुनिक जिम्मेवारी क्या है, ऐसे सारे विषयों में एक राष्ट्र नेता की किताब आज हम सभी ने फिजिकल बुक और वर्चुअल बुक, ई बुक के रूप में आज हमने समाज के सामने समर्पित किया। अनेक विषयों में महामहिम राष्ट्रपति जी की विचार वैश्विक स्थिति के बारे में हो, देश की मौजूदा चुनौतियों के बारे में हो, देश की युवाओं की आकांक्षा के बारे में हो, देश की
शिक्षा के बारे में हो, जैसे मेरे मोह हो रहा है मैं शिक्षा मंत्री की दायित्व में, राष्ट्रपति जी ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, 34 साल के बाद वो किताब वो नीति आई, उस नीति के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है, एनईपी एम्स टू रीओरिएंट आवर एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड्स मीटिंग द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी। मित्रों, यूनेस्को में 1950 में उस समय की नेतृत्व यूनेस्को की बैठक तय किया कि हमें एक कमिटी गठन करना है, डलार्स कमिटी के नाम पे कमिटी गठन हुई, जिन्होंने 21वीं सदी में शिक्षा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए उस पर विचार किया। ऐसे ही एक दस्तावेज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की दृष्टि के साथ 2020 में बनवाई, जिसके बारे में देश के राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये 21वीं सदी की आवश्यकता को पूरा करने वाले मसौदा है। मित्रों, सिर्फ ये दो चार शब्द नहीं रहा है, ये शायद आने वाले सदियों की एक बेंचमार्क रहेगा, ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा कि भारत की राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में क्या कहा है। वो आगे कहते हैं, इट सेट्स द विजन ऑफ डेवलपिंग एंड इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। सभी को एक समतुल्य शिक्षा की व्यवस्था भारत में करनी पड़ेगी। दिस कॉल्स फॉर अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सीलेंस। मित्रों, समाज जीवन जब डिविजिव मोड पे जाता है, आखिर पाश्चात्य की देश इतनी भौतिक संपन्नता के बाद इतने व्यक्तिवादी क्यों होते हैं? आखिर टेक्सास में अभी एक स्कूल बच्चों को, कुछ स्कूल बच्चों को क्यों अपनी जान गंवाना पड़ा? आज अखबार में जब हम भारत में ही एक दुखद संवाद पढ़ें कि पबजी खेलने के लिए कोई छोटा सा बच्चा, 16 साल की बच्चा अपने मां को गोली भी मार सकता है, शायद ये एक डिविजिव माइंडसेट ही है। उसी की उत्तर शायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर है, ऐसे राष्ट्रपति जी की अपेक्षा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इंक्लूजन करेगा और एक्सेलेंस भी करेगा। आज भी उसी अखबार में और एक विषय आया है, इन दिनों में यूनिकॉर्न एक बहुत चर्चित विषय बनी है। भारत में कोरोना पीरियड में ही 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना है, और इसी साल जो 6th महीने में हम लोग चल रहे हैं, उसी पिछले 5 महीने के अंदर देश में 16 यूनिकॉर्न बनी है, और आज 16th यूनिकॉर्न। संयोग देखिए, राष्ट्रपति जी देश की जिस इलाका से आते हैं उसी इलाका का एक नौजवान फिजिक्स वाला, नाम भी सुनिए थोड़ा, देखिए फिजिक्स एक ग्लोबल टर्म है, भौतिक शास्त्र उसकी इंग्लिश शब्द है, फिजिक्स वाला तो हमारे देश की सबसे देशी विषय है, फलाना वाला, ढिमकाना वाला, वाला एक कहावत है, ये एक लोक भाषा है। लगभग मिलियन सब स्टूडेंट उसमें से ज्वाइन करते हैं, और उसी की 100 मिलियन की इन्वेस्टर किसी ने अभी उसमें से डाला है। ये दोनों चीज मैंने इसलिए आज के अखबारों से उठा के उदाहरण देता हूं, एक इंक्लूजन की चुनौती से बना हुआ कुछ क्राइसिस, दूसरा इसी के अंदर भी एक्सीलेंस की पराकाष्ठा हो सकती है, जो अपेक्षा राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एनईपी के बारे में उल्लेख किया, उसको साकार करना ही पड़ेगा। हम सभी को राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन को आकार देना पड़ेगा। उन्होंने देश की जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने भाषण दिया है, इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम द मीडियम ऑफ डायलॉग इज द बेस्ट मीडियम फॉर नॉट अलाउविंग ए डिबेट टू बिकेम ए डिस्प्यूट। कभी कभी प्रजातंत्र में जनता की हितों में, जनता की मन के विरुद्ध कुछ निर्णय करना पड़ता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि कब डिबेट को अलाउ नहीं करना, क्योंकि मानव सभ्यता की बहुत और नुकसान ना हो जाए। ये विचार सामान्य व्यक्ति से आते नहीं है मित्रों।
जो समाज को अति निकट से दिखता है, समाज को अनुभव करता है, समाज को जीता है और समाज की निचले तबके की जिंदगी का अनुभव से आगे बढ़ता है, तब वो युगदृष्टा होता है, वो विजनरी, उसी को ही कहा जाता है। और संयोग देखिए, हमारी प्रजातंत्र की सबसे श्रेष्ठ मंदिर में हम एकत्रित हुए, भारत की राष्ट्रपति भवन, भारत की 130 करोड़ जनता की आस्था का मंदिर है। दुनिया की तौर तरीके कैसे हैं? एक सभ्य देश अमेरिका की इस बार की चुनाव के उपरांत जो दृश्य हुआ, कभी कभी मैं प्रजातंत्र के बारे में हमारी जनजीवन में आस्था और वहां की घटना को मैं कभी कभी तुलना करता हूं। हमारे वहां तो चुनाव हर एक महीने में कहीं ना कहीं होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। हारने वाला इस जिद पे नहीं आता है कि नहीं नहीं मैं ही जीता हूं, मैं कुर्सी पे जाके बैठ जाऊं। इस बार कैपिटल हिल में ऐसे ही दिखने को मिला और खुद को कहते हैं हम सबसे बड़ा प्रभावशाली और बड़ा आधुनिक प्रजातंत्र है। और उस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हमारी माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की दायित्व में कौन है? एक सामान्य दलित घर का व्यक्ति आज देश की राष्ट्रपति है। दूसरा, दूसरों के घर में बर्तन माज के अपने परिवार चलाने वाले मां का बेटा प्रधानमंत्री। क्या दुनिया में कोई समय में इस प्रकार की उदाहरण मिलते हैं? यह भारत की प्रजातंत्र की पराकाष्ठा है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी अपने भाषणों में उल्लेख किया है। भारत की संस्कृति के बारे में उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हिज रूट्स रिफ्लेक्ट्स इन हिज पॉइंटिंग आउट द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ रिवर गंगा इन द लाइफ्स ऑफ इंडियन सिटीजन। गंगा जी के बारे में उन्होंने कहा, द मीनिंग ऑफ सैंक्टिटी ऑफ गंगा इन आवर लाइफ मीन्स दैट वी शुड बी प्योर इन माइंड एंड वर्ड्स एंड डीड्स। गंगा एक नदी नहीं है, गंगा एक पानी की प्रवाह नहीं है, गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक एक धारा नहीं है, गंगा भारत की जीवन चरित्र में एक दर्पण है। गंगा की चरित्र, गंगा की वर्णन राष्ट्रपति जी ने अपने पवित्रता और अपने कृति को जोड़ के हुए उन्होंने अपने बारे में उसके बारे में उल्लेख किया है। मित्रों, मैं शिक्षा विभाग के जब दायित्व में हूं, मेरे मन में आप जैसे विद्वानों को देख के, विशेष करके शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्वानों को देख के मेरा एक मोह होता है, अगर आप अनुमति देंगे तो उसको भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। मित्रों, क्या यह विषय हमारी कैंपसेस में चर्चा नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी की एक पब्लिक ऑफिस में बैठने का 20 साल पूरा हुआ। मैं इन दोनों पुस्तक को, ये पुस्तक लोकतंत्र की शोर और मोदी एट 20, ये दोनों किताबों को मैं अपेक्षा रखता हूं, शायद इसमें से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत भी होंगे, तो प्रजातंत्र का ही तो शर्त है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं अभी इन दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की वार्षिक सेमिनार में जेएनयू की भीषी महोदया गई थी, उन्होंने एक भाषण दिया, मैं उनसे कभी अलग मिलकर उसको और थोड़ा समझना चाहूंगा। उन्होंने सभ्यता के बारे में कुछ विषय उल्लेख किया, आप उसमें सहमत हो असहमत हो ये अलग बात है। फिर मैं कुछ दिन के बाद और एक लेख लिखा कि सभ्यता की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, मोस्ट वेलकम। यही तो भीतर के एक प्रजातांत्रिक सोसाइटी में बीसी महोदया ने जो कहा उसको दूसरे ने उसको विकल्प तर्क दिया, यही है प्रजातंत्र की शर्त। अब दुनिया में 21वीं सदी की दो दशक के उपरांत इतना ही असहमति में सर कलम हो सकता है, जेल हो सकता है। मैं कभी एक मिडिल मैंने सेंट्रल एशिया में कोई देश में हमारी देश की तेल की कारोबारों के लिए मैं निरंतर जाते रहा। एक बार एक व्यक्ति से मेरे मित्रता हुआ, देश की उप प्रधानमंत्री थे,
दूसरे बार दौरे में मैं गया तो हमारे राजदूत वही थे, मैंने उनको पूछा कि फलाना महोदय जो मेरे मित्र बने हुए थे वो कहां के, वो तो नहीं दिख रहे, बोले पूछिए मत वो कर कहीं है, बाद में पता चला कि कहीं जेल में है। फिर कब निकलेंगे किसका कोई पता नहीं था। मित्रों ये दुनिया की कारोबार रीत नीति की हालत है, उसके बदले हमारे देश में प्रजातंत्र, हमारे देश में शासन व्यवस्था की एक मिसाल हम लोगों ने बनाई है। ये सारा विषय ये किताबों में छुपी हुई है। प्रशासन की शैली कैसी होनी चाहिए उसमें प्रधानमंत्री जी की शासन मुख्य के नाते 20 साल की अनुभव की किताब में छुपी हुई है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन ही कर सकता हूं, अन्य कोई विभाग में रहता तो थोड़ा अपूर्व जी को पकड़ के, संजय जी को पकड़ के आदेश करता, आप जैसे विद्वानों को तो आदेश नहीं किया जा सकता है, आपको निवेदन किया जा सकता है, अनुरोध किया जा सकता है। आज जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ने जो किताब को छपाई है, यह विषय मैं आपत्ति और आलोचना को स्वीकार करते हुए मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, ये सारा विषय आने वाले साल भर में एक सही समय में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आजादी की अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, देश की राष्ट्रपति जी और देश की प्रधानमंत्री जी की विचार और व्यवस्था को हम देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में चर्चा करवाएं, वितर्क करवाए, उसकी आलोचना करें, उसकी समालोचना हो, उसी में तो सुधार होगी, उसी में से तो अमृत ही निकलेगा। मैं आज की शुभ अवसर पे फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आप इस कार्यक्रम में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की निमंत्रण रक्षा करके आए, और अनुराग जी को अनुरोध करता हूं, हम शिक्षक समाज से हैं, हम लोगों को बीच बीच में बुला के ऐसे मंच लगा के बोलने का मौका देते रहिए और उसको दिखाते भी रहिए, तब देश में वितर्क ही बढ़ेगा।